दो खूनी शेरों की सच्ची कहानी, जिनके मुंह लग चुका था इंसानी खून, जिन्हें सिर्फ 9 महीने में 135 इंसानों को चबा डाला। वो जब जब जंगल से बाहर निकलते थे, उनकी दहार से पूरा का पूरा अफ्रीका थर थर काँपने लगता था। उनके जंगल में जो आया बच नहीं पाया। जब उनकी गुफाओं तक पहुंचा गया तो लगा हुआ था इंसानी कंकालों का ढेर। वो खूंखार इतने बेरहम थे कि अपने शिकार पर एक बार पंजा गड़ाने तो उसे किसी भी कीमत पर आज़ाद नहीं होने देते थे। उनके चंगुल से बच पाना नामुमकिन था। करीब 9 फीट 8 इंच लंबे वो दोनों आदमखोर शेर जब किसी के सामने आते तो अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे देती। बंदूक थामे शिकारी को भी पसीना आ जाता था। उनका शिकार करना तो दूर, उन्हें देखकर ही शिकारी अपनी जगह पर जम जाता और जो भी उनसे भिड़ने की कोशिश करता वो मारा जाता और उन्हें मार कर वो खा जाते। यही इन दोनों शेरों की ये आदत पड़ चुकी थी। और अफ्रीका देश केनिया और उगांडा के बीच बने घने जंगलों में साओ नदी के पास उन आदमखोरों ने अपना ठिकाना बना रखा था और यहीं पर दोनों आदमखोर शेर इंसानी मांस की अपनी भूख मिटाते थे। वो साल था 1898। केनिया के जंगल में साओ नदी पर रेल ब्रिज बनवाने का काम चल रहा था। मार्च के महीने में यहाँ हजारों की तादाद में मजदूर पहुँच रहे थे। इनमें भारतीय मजदूर भी शामिल थे, लेकिन उन मजदूरों को कहाँ पता था कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ एक नहीं दो यमराज उनका इंतजार कर रहे हैं। मजदूरों के वहाँ आने के कुछ ही दिन बाद ही रात के अंधेरे में दोनों आदमखोर शेरों ने अपना पहला शिकार किया और इसके बाद तो आए दिन एक दिन कई मजदूर का शिकार होने लगा। रात के अंधेरे में दोनों आदमखोर शेर आते और अपने शिकार को उठाकर ले जाते। शेर के मुंह में इंसानी खून लग चुका था, अब उन्हें सिर्फ इंसानी मांस ही अच्छा लगने लगा। साओ नदी पर बनने वाला ब्रिज कुछ ही महीनों में खूनी ब्रिज के नाम से मशहूर होने लगा। डर के मारे रात में लोगों ने सोना ही छोड़ दिया। मजदूरों में आक्रोश पैदा हो रहा था और धीरे धीरे मजदूर अपने जान बचाकर भागने लगे थे। जो बाकी बचे थे उन्होंने रेल पुल पर काम करने से इनकार कर दिया। आदमखोर शेरों के खौफ से युगांडा और केनिया के बीच बनने वाला रेल लाइन पर काम रुक गया, इसलिए अब रेल ब्रिज पर काम शुरू करने से पहले उन आदमखोर शेरों को मारना जरूरी था। इस खूंखार और जानलेवा मिशन की कमाल संभाली रेल ब्रिज के चीफ इंजीनियर कर्नल हेनरी पीटरसन ने। पीटरसन ने उन आदमखोरों को मजदूरों के कैंप तक लाने के लिए जाल। पीटरसन और शेर के बीच ये आखिरी युद्ध बड़ा भयानक हुआ, लेकिन आखिरकार पीटरसन ने उन आदमखोरों को मार ही गिराया। शेर इतने भारी थे कि उनको मारने के बाद उन्हें जंगल से उठाकर रेलवे कैंप तक लाने के लिए 8-8 मजदूरों को लगाया गया। का तांडव बचाने वाले उन आदमखोरों की तस्वीर उनकी खाल और कंकाल को सहज कर रख लिया गया। दुनिया के उन सबसे बड़े आदमखोरों को मारने के बाद इनके कंकाल और खाल को शिकागो के एक म्यूजियम में रखा गया। इस तरह के फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें।